हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टर लॉजी। सो गाइस, कल है मंडे। किस तरीके से ट्रेड लेना है और किस तरीके से अपनी अप्रोच को लेकर चलना होगा, बिकॉज इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी हमें देखने को मिलने वाली है। एंड उसके बाद हमें किस तरीके से अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स को प्लान करना है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा किस तरीके से दिखा रहा है, सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा बहुत टाइम हो गया जब से मैं 3 स्टॉक की वीडियोज बना रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए हमेशा एज अ स्विंग ट्रेड और एज अ BTST ट्रेड्स लेकर आता, बट आज मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको 2 इंट्राडे ट्रेड्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके साथ एक स्विंग ट्रेड भी आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले अपने परफॉर्मेंस की, पास्ट की, जो हम लोगों ने स्टॉक्स आपको दिए थे। तो ज्यादातर सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। गोवा कार्बन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया था एंड वो ऑलमोस्ट 5 से 6% विद इन 20 मिनट्स भाग गया था। एंड बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सो अब देखते हैं कि ये जर्नी जो अभी तक अच्छी चल रही है, क्या ये और अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर ट्रेड सेटअप की। चलते हैं ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं मंडे के सेशन पे एंड कैसे अपनी अप्रोच लेकर चलनी चाहिए। सो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है क्रेडिट ACC। क्रेडिट ACC मैं आप लोगों को बहुत टाइम से सजेस्ट कर रहा हूँ, जब ये 680 और 700 के आसपास हुआ करता था, अभी ट्रेड कर रहा है ये 830-840 पे। ऑलरेडी ये स्टॉक मैंने आप लोगों को 700 के आसपास सजेस्ट करा भी अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत एजुकेशन कंटेंट आपको मिलते रहेगा ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा अगर आप स्टॉक को देखोगे तो आप वेरी गुड कंटिन्यूअस फॉल जो हमें देखने को मिली थी 1000 रुपीज़ के लेवल से, उसके बाद बहुत धीरे धीरे रिकवर करा, इट क्रिएटेड अ चैनल, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग गया और ऑलमोस्ट 2 साल बाद जाके इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट और एक बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिल रही है। सो अब जो टारगेट मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ, दैट शुड बी अराउंड इट्स प्रीवियस हाई, बिकॉज इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट करा आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड रीटेस्ट और आई थिंक 1980-990 के लेवल्स बहुत इजीली ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है। तो इस क्रेडिट ACC को हम एज अ स्विंग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी लेकर चल सकते हैं एंड बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी भी इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने सेकंड स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक हमारा एज अ इंट्राडे के लिए स्टॉक होने वाला है अगर ये हमारे मेजर लेवल्स को ब्रेक करता है। सो लेट मी शो यू। अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा हिड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना था एंड आफ्टर अ वेरी गुड ब्रेकआउट इट गेव अ रीटेस्ट और यहाँ से अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो जो हिड एंड शोल्डर पैटर्न का जो रेजिस्टेंस था, जो मेक एंड ब्रेक इवन लेवल होता है, वहाँ पर पहले भी हम लोगों को मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिल रहे थे। तो आई थिंक ये जो लेवल है वो एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक एंड इसके बाद ही अपने बेस को क्रिएट करके, अपने राइजिंग चैनल के सपोर्ट लाइन को क्रिएट करके इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा जिसका ब्रेकआउट की ये तैयारी कर रहा है। अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं वॉल्यूम्स ओपन करता हूं तो अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स के अंदर भी, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आप वॉल्यूम्स पे देख रहे हो, ये 20 पीरियड का एवरेज प्राइस का मूविंग एवरेज है और इसके ऊपर इसने एक वॉल्यूम बार की कैंडल क्लोज करी है। अगर ब्रेकआउट के समय नेक्स्ट वॉल्यूम बार भी अगर 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज करती है तो डेफिनेटली एक साइन होगा कि यहाँ पर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया है और अपने हायर चैनल के सपोर्ट से भी उठ के अभी ऊपर जा रहा है। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स की। तो सबसे पहले इसका जो टारगेट होगा, दैट शुड बी आर प्रीवियस विंग हाई, जहाँ से एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था, दैट शुड बी अराउंड 947 रुपीज़ का। इसके अलावा अगर ये और ऊपर जाने की तैयारी करता है, देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी दिस हायर चैनल रेजिस्टेंस लाइन, जो कि मुझे लगता है 980 तक के आसपास भी आ सकती है। अब रिमाइंड यह बात जरूर रखना कि अगर अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट स्टडी नहीं करा, अगर बाय चांस हमें उसमें एक नेगेटिव साइन दिखता है तो इसके ब्रेकआउट का ही आपको इंतजार करना है और एक कंफर्मेशन का इंतजार करना है, तभी आपको इसके अंदर एंट्री लेनी होगी। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे भी मैं आपको एज अ इंट्राडे स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे सेम स्ट्रक्चर बना है जो ऑलरेडी हम लोगों को अभी लास्ट वाले इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा माइनर चेंज है। अगर आप चेक करोगे तो ब्लैक कलर की अगर आपको यहाँ पर लाइन दिख रही होगी और इस पर फोकस करना और नीचे वाली लाइन पर फोकस करना, ये जो रेंज है ना, यहीं पर ही बहुत टाइम तक स्टॉक कंसोलिडेट करता है। जब भी इस रेंज के अंदर एंटर करता है, आप देख सकते हो पास्ट में भी इसके अंदर कंसोलिडेट, यहाँ पर भी कंसोलिडेट और अभी प्रेजेंट पे भी हम लोग देख रहे हैं एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये आइदर साइड ऊपर जाता है तो एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है और अगर ये नीचे जाता है तो एक अच्छी मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलती है। अब याद रखिएगा, जब मार्केट फॉल करती है और अगर वो इस रेंज के नीचे की तरफ तोड़ता है तो डेफिनेटली एक बड़ी ब्रेकडाउन आती है।
बट जब मार्केट नीचे से रिकवर करके एक रेंज की तरफ आती है और तभी ऊपर जाती है, तो हम एक बुलिश साइन भी एज्यूम करके चलते हैं जो हम लोगों ने पास्ट में स्टॉक पे देखा रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक रेंज के अंदर एक कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर अ वेरी गुड मोमेंटम फ्रॉम इट्स लोअर लेवल्स। अब ये एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, एक पॉज ले रहा है एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ थ्रू मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर कि ये सबसे बढ़िया इसका जो सपोर्ट है कहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, दैट शुड बी दिस रेड कलर की लाइन। अभी ट्रेड कर रहा है 2457 के आसपास। अगर ये 2462 के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 2474 जो कि माइनर टारगेट होगा। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी एज अ बीटीएसटी ट्रेड, इसको हम लेकर चल सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 2525। सो हमारे 3 स्टॉक्स हो गए हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे और ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे और दोनों को क्लब करके निकालते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है मंडे को ओपन होकर। ओके गाइस, तो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया एंड यहाँ पे ना एक तरीके का साइडवेज ट्रेंड चल रहा है अभी हम लोगों को जो देखने को। अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी आई थी एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो एक पूरा साइडवेज ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो इस कैंडल के अंदर ये कैंडल है एंड इनसाइड कैंडल, ये पूरी रेंज डेवलप हो चुकी है जिस रेंज के अंदर अभी मार्केट रिएक्ट कर रही है। अब इस रेंज का अगर लोअर लेवल ब्रेक होता है तो येस वी कैन एक्सपेक्ट दिस पर्टिकुलर गैप डाउन जो बहुत ईजिली हमें टेस्ट करने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर इस रेंज के ऊपर जाता है देन हम एग्जामिन कर सकते हैं कि एक और अच्छी लेवल आ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करनी है कि इस रेंज के अंदर ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है एंड अगर इस रेंज का ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली वी कैन एंटर इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम लोग चेक करें तो क्लोजिंग कहाँ पर हुई है ना, डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग हुई है 17,150 पे। अब 150 एग्जैक्टली क्लोज है अपने लोअर लेवल के रेंज पे जो कि लेवल आ रहा है 17,088 या 17,080 रुपीज़ का लेवल। अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है देन तो डेफिनेटली आर टारगेट शुड बी दिस जो भी हम लोग एग्जामिन करके चल रहे हैं। बट अगर अब ये यहाँ से रिकवर करना चाहेगा तो द जो ऊपर साइड की रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम तब तक वेट थोड़ी ना करेंगे कि यार एवरेज इसके ऊपर जाएगा, तब हम एक लॉन्ग एंट्री लेंगे और हम लोग पेशेंस की तरफ से वेट कर रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन वी विल यूज़ अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो ना 15 मिनट्स और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वॉट वी कैन डू, वी कैन जस्ट पुट एन ट्रेंड लाइन अबव एट दिस पर्टिकुलर लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है देन डेफिनेटली वी कैन एंटर इन दिस पर्टिकुलर कॉइन इंडेक्स सॉरी एंड इस पर हम लोग एक ट्रेडिंग बेट अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं। रिमेंबर दैट कि मार्केट एक पॉजिटिव है, मार्केट एक बुलिश साइन की तरफ चल रही है, सो डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट बाइंग ऑन लोअर लेवल्स। रिमेंबर दैट आप यहाँ देखिएगा इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। अगर ये लेवल ब्रोक होता है देन अ नेक्स्ट टारगेट शुड बी दिस, बट अगर ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मिनिमम टारगेट, द मिनिमम टारगेट शुड बी अराउंड, लेट मी शो यू, द मिनिमम टारगेट शुड बी एट दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स ले रखे हैं इसने। यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है। सो द नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 17,280 या 290 रुपीज का। अब सिचुएशन लेकर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाई चांस हम मान के चलते हैं मार्केट गैप डाउन खोलता है, मार्केट गैप डाउन खोलता है एग्जैक्टली इसी लेवल पे, नीचे नहीं गया बट इस लेवल पे खुलता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट टेक अ पॉज, हम लोग मार्केट को एग्जामिन करेंगे किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। अगर ये नीचे जाता है और एक मिनट की, सिर्फ एक मिनट की अगर 3 कैंडल भी इस लेवल के नीचे क्लोज होती है देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी दिस जो कि बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा। बट अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद मेरे हिसाब से जो गैप अप होगा वो 230-240 से ऊपर का मैं लेकर नहीं चल रहा, 70 पॉइंट्स तक का ही मैं गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि शायद हमें देखने को मिल सकता है। देन वी कैन डेफिनेटली एंटर विद अ टारगेट ऑफ 290 और अगर इसके ऊपर भी निकलता है देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 370-390 रुपीज का। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट अगर एग्जैक्टली इसी लेवल पे खुलती है यानी कि 15 रुपये ऊपर या 15 रुपये निफ्टी नीचे खुलती है तो किस तरीके से रिएक्ट करना है। देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी, देखिए हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट नहीं रहेगा, उसके बाद हमारा ये लेवल बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए फॉर दिस। तो हमारी एक रेंज डेवलप हो जाएगी अगर मार्केट इस लेवल के अंदर खुलती है
तो रिमेंबर दैट कि यहाँ पर एक रेंज डेवलप हो जाएगी, जब तक इस रेंज के अंदर होगी वी विल नॉट ट्रेड, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, इसके ऊपर ही हमें बाय करना है, इसके नीचे ही हमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना होगा। सो रिमेंबर दैट, अगर 15 रुपए ऊपर 15 रुपए नीचे खुलती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना, अगर एक बड़ा गैप अप आता है देन वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, और एक गैप डाउन पे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या खुल के अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करता है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर खुल के साइडवेज हो रहा है देन वी डोंट हैव टू ट्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट से भी कंपेयर करेंगे क्या लगता है। सो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है एंड यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज दिख रही है जिससे मुझे लगता है कि शायद बैंक निफ्टी ऑन टेक्निकल बेसिस ऊपर जा सकता है। सो लेट मी शो यू, अगर आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छी रैली आई थी फ्रॉम इट्स बॉटम, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई, इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट, अगेन ऊपर गया, अगेन आप देख पा रहे होंगे कि ना लोअर लेवल से जब से एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुई है जनरली हम लोग एक गैप अप रिज्यूम करते हैं, उसके बाद एक फॉल आती है एंड अगले दिन फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, इस तरीके से ही हमें रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर चीज हैपेंड एट दिस प्लेस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इट क्रिएटेड अ डबल टॉप टाइप ऑफ सिचुएशन, आफ्टर दैट नीचे आया, नीचे आने के बाद इट क्रिएटेड अ वेरी गुड गैप डाउन, गैप डाउन करवाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर एक फॉलोइंग वेज के अंदर ही पर्टिकुलर इंडेक्स काम करना स्टार्ट कर गया, एंड रिसेंटली हमें लास्ट टाइम पे जब मार्केट क्लोज हो रही थी ऑन अ फ्राइडे सेशन तो एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, एंड आफ्टर दैट जैसे ही मार्केट क्लोज हुई अचानक से ये नीचे आ गया था, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, बट यहाँ पर हमें एक चीज समझ रही है, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम, इट क्रिएटेड अ फॉलोइंग वेज एंड इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचेंगे कि एक अच्छा अपमूव आने के बाद डबल बॉटम डबल टॉप बना है तो दैट मीन्स द प्राइस इज अबाउट टू गो अप, मतलब इंडेक्स यहाँ से और नीचे आ सकता है, बट ये जरूरी चीज नहीं है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक फॉल आया, इट क्रिएटेड अ डबल टॉप, नीचे आया, इट क्रिएटेड अ गैप डाउन, गैप डाउन करने के बाद फॉलिंग वेज, ब्रेकआउट, साइडवेज और एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सेम गोज विद हियर, अपमूव आई, डबल टॉप, फॉल करा, गैप डाउन करा, फॉलिंग वेज करा एंड ब्रेकआउट दिया। तो आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जब भी हम इस तरीके का सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को एक फॉलोइंग चैनल या फॉलोइंग वेज देखने को मिलता है और उसका ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अच्छी एक्सपेक्टेशन, एक अच्छी अपमूव देखने को मिलती है। एज यू कैन सी इट हेयर, लेट मी जस्ट शो यू, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये भी एक फॉलोइंग वेज है, इस फॉलोइंग वेज का ब्रेकआउट आया, एक अच्छी अपमूव आई है। आफ्टर दैट देर आर मेनी फॉलोइंग वेज जिसके ब्रेकआउट्स पे हम लोगों को एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पर एक बाइंग सेटअप डेफिनेटली लेकर चल सकते हैं। अब किस तरीके से अप्रोच को लेकर चलना है, देखिए जरूरी नहीं है हर पैटर्न जो पास्ट में वर्क करा है वो अभी भी वर्क करेगा, आप कभी सिनेरियो चेंज हो सकता है, हमें एग्जामिन करके चलना है। हमने देखा कि ये डबल टॉप बना है, दैट मीन्स दिस इज द क्रूशियल लेवल, ये जो लेवल है ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करती है दैट मीन्स कि अब शायद एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम सिनेरियो जो हम लोगों ने निफ्टी में बात करी, सो वट वी कैन डू, अगर कल मार्केट अपने प्रीवियस हाई के ऊपर खुलती है, दैट मीन्स नॉट अ प्रीवियस हाई सॉरी, अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर ओपन होती है, लेट मी जस्ट शो यू, दैट इज अराउंड 35,650 रुपीज के लेवल के ऊपर, अगर 250 पॉइंट भी ऊपर ओपन होती है तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर नहीं ओपन होती है तो क्या करें, बट उसके बारे में बाद में बात करते हैं, मैं कह के चल रहा हूँ अगर इस लेवल के नीचे ओपन होती है तो एक क्लियर शॉट करेंगे। क्लियर शॉट तभी करेंगे जब 1 मिनट की 3 कैंडल्स नीचे क्लोज होंगी, रिमेंबर दैट 1 मिनट की 3 कैंडल हमें नीचे क्लोज चाहिए और उसमें से 3 कैंडल में से 2 कैंडल हमें बियरिश चाहिए होंगी। ठीक है, अब पता चल गया इस नीचे के नीचे शॉर्ट करना है, इसके नीचे हमें लॉन्ग जाना है, बाई चांस अगर इस रेंज के अंदर ओपन होती है नहीं हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस लेवल पे पॉज लेंगे, अगर इस लेवल पे आता है तो हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट डाटा, क्या यहाँ पर और पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं कि बाइंग मोमेंटम आ सकता है कि नहीं आ सकता, देन वील ट्राई टू एंटर, एंड फॉर दैट आई विल अपडेट यू एवरीथिंग ऑन आर टेलीग्राम चैनल ऑन द लाइव मार्केट, तो आप वहां पर हमें डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। सो यही बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है अकॉर्डिंग टू द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी की, साइडवेज टू स्लाइटली बियरिश मुझे लग रहा है, बट जब तक गैप अप और गैप डाउन ही हमें बेसिकली डिसाइड करेगा कि किस तरीके से वर्क करना है। लास्ट चीज चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा एंड उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आपके सामने ओपन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलनी चाहिए वो दैट इज इंडिया वेक्स, जो कि 23.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड लेवल, ज्यादा वॉलीटिलिटी नहीं है। 25 के ऊपर हम लोगों को फियर होना स्टार्ट होता है, मार्केट तब नीचे जाना की कोशिश करती है 25-27 के ऊपर, बट 23.5 इज इनफ, आई थिंक मार्केट ज्यादा बड़ी फॉल नहीं करने वाली। अब दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो लास्ट फ्राइडे को देखिए, फ्राइडे पे ना बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पोजीशंस मेंटेन करते हैं,
और ज्यादातर लोगों को वीकेंड आता है तो उस वजह से वो लोग मंडे या ट्यूजडे को, एक्चुअल में ट्यूजडे को एंटर करने की कोशिश करते हैं। सो मैं इस डाटा पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं दूंगा बिकॉज इट्स क्लोजिंग बेसिस डाटा। मार्केट जैसे ही ओपन हो गया अकॉर्डिंग टू द गैप अप गैप डाउन ये पूरा डाटा विद इन 2 to 3 minutes चेंज हो जाएगा। तो बट इसको अगर स्टडी करना हो और कंपेयर करना हो अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 17,200 का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है बिकॉज हैवी कॉल राइटर्स यहाँ पर एक्टिव है। अब कॉल राइटर्स हैवी एक्टिव हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी ब्रेकआउट की बात करी थी ना, इस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग डेफिनेटली एक बाय पोजिशन बना सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो अच्छा पुट सपोर्ट हमें जो देखने मिल रहा है पुट राइटिंग का, दैट इज 17,000 rupees का लेवल। अगर आप नीचे आओ क्योंकि ना वो पास्ट का है, तो अगर हम 31st March की एक्सपायरी का हिस्टोरिकल डाटा देखें सो कॉल और पुट चेंज को अगर आप देखोगे तो ज्यादा मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा, 83 million and 66 million, तो ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। रिमेंबर दैट कॉल और पुट राइटर्स के बीच में 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पे फाइट है, मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पर 17,200 जो भी रेंज हम लोगों ने डिसाइड करी है अगर उस रेंज के अंदर रहती है सो वॉट वी कैन डू, वी कैन प्लान अ ट्रेड, बट दैट ट्रेड कैन ओनली बी प्लान, मतलब द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी दैट कैन ओनली बी प्लान ऑन ट्यूजडे एंड एंडिंग टाइम के पीरियड में हम लोग ट्यूजडे पे प्लान कर सकते हैं। वो क्या है, अगर ट्यूजडे को भी हम लोग देखते हैं कि 17,200 की रेंज पे ही कंसोलिडेट कर रही है, देन वी कैन डू शॉर्ट, वी कैन प्ले अ आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी वेयर वी कैन शॉर्ट 17,000 कॉल एंड पुट ऑप्शन, एंड उसके अलावा हम लोग 17,000 का पुट बाय कर सकते हैं, 17,400 का कॉल बाय कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो वी कैन पुट ऑल द, हमें प्रीमियम बहुत अच्छा मिल सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा दूर है ट्यूजडे को। बट अगर हम लोग ये मार्केट चले 17,200, 17,250 और 17,150, ये जो 100 रुपये की रेंज है इसके अंदर ही मार्केट अगर कंसोलिडेट करती है तो वी डोंट हैव टू ट्रेड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। बैंक निफ्टी एक बार आखिरी बार चेक कर लेते हैं, इससे हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहाँ पर भी मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम बात करके चले तो 36,000 rupees के लेवल पे एक मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और हाईएस्ट कॉल राइटर्स जो एक्टिव हैं दैट इज अराउंड 37,000, तो यानी कि कॉल राइटर्स बहुत पीछे के एक्टिव है ना, तो आई थिंक देयर इज अ चांस कि शायद मार्केट ऊपर जाने की एक कोशिश जरूर कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो बीच में फाइट चल रही है, दैट फाइट चल रही है वो चल रही है 35,500 rupees पे और 35,600 rupees पे। हमें कब बाय करना है, हमें बाय करना है 35,650 के ऊपर, तो वहां पे जितने भी कॉल राइटर्स 500 पे होंगे 600 पे होंगे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, उनको लॉसेज होने स्टार्ट होंगे एंड दे ट्राई टू बुक देयर कॉल राइटर्स, एंड उसके बाद जैसे कॉल राइटिंग को एग्जिट करेंगे कॉल बाइंग होगी और नए लोग एंटर करेंगे आफ्टर अ ब्रेकआउट कॉल बाइंग करेंगे, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में वी कैन एक्सपेक्ट अ 36,000 लेवल इन बैंक निफ्टी एज वेल। सो गाइज ये पूरा सिनेरियो अभी हमें देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से अप्रोच लेकर चलते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल दोबारा नई वीडियो पे जो कि मैं हर रात 9 बजे अपलोड कर देता हूँ, और इसके अलावा हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग पे गाइज एवरी ऑल्टरनेटिव डेज लाइव आते हैं यूट्यूब पे और वहाँ पर हम कुछ कॉइन्स को बाय करते हैं, देखते हैं कैसे एनालिसिस करते हैं। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो एज वेल आप उस पर भी ट्रेड हमारे साथ कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे गाइज, बाय बाय, आई विल सी यू।